गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट को बेट है रिजल्ट वेटिंग लिस्ट वगैरह को लेकर के। तो स्टूडेंट जैसा कि आज 28 नवंबर को क्या रहा, जैसा कि मैं स्टूडेंट्स जैसा कि आज के बारे में जैसे कि सूचना मिली उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आज भी देखिए परीक्षा नियंत्रक जो है एबसेंट रहे, नहीं आए वो, क्योंकि उनके नए जो हैं वो आने यहाँ पर बाकी है, क्योंकि उन्हें वहां का चार्ज संभालना है। जब तक भी आएंगे नहीं, चार्ज नहीं संभालेंगे आगे का काम नहीं होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि जो पुराने कार्मिक अधिकारी हैं उनमें जो बात चली वो पीईटी को लेकर चली और एग्जाम कैलेंडर को लेकर के चली है। तो स्टूडेंट कुछ खास आज हुआ नहीं है कि जो कि आपको बता जाए। ये मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए बता रहा हूँ बना करके कि कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि हो सकता है कुछ अपडेट आए। तो स्टूडेंट बस आपको अपडेट यही करना था कि जैसा कि पीईटी को लेकर के और जो आपका एग्जाम कैलेंडर को लेकर के आज यही बात हुई है आयोग में, और इस पर भी ओनली यही बात हुई है कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाए जिसमें जो आगामी परीक्षाएं हैं प्लस जो रिजल्ट वगैरह हैं जो उसके लिए एक मंथ घोषित कर दिया जाएगा कि इस मंथ में ये चीज डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं आधिकारिक लोग, पर ये है कि इस चीज को अमेंडमेंट करें, संशोधन करके ले आए तब तो ठीक भी, इम्प्लीमेंट करके अपने आसपास में कि हाँ ठीक है हम उसको कर रहे हैं, बट वो ऐसा करते नहीं है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो मैं बस वही बताना चाह रहा था आप सभी को कि देखिए एग्जाम कैलेंडर के ऊपर बात चल रही है, हो सकता है कि वो दिसंबर में ही जारी कर दिया जाए और पीईटी तो लागू होने वाला है, तो पीईटी के प्रारूप को वो समझ रहे हैं जैसा उनको अब लागू करना है आगे वाली आने वाली परीक्षाओं को। तो पीईटी और एग्जाम कैलेंडर को लेकर के ऐसा की बातचीत हुई है, और ये भी आपका 15 दिसंबर के बाद जहां तक है इस पर भी नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। परीक्षा नियंत्रक तक आने तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कोई रिजल्ट कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो हो सकता है वो कल आ जाए परसों आ जाए, जैसे भी खबर मिलेगी आपके साथ हम अपडेट करेंगे। बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। बस चैनल को सब्सक्राइब अपना करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक या डिसलाइक आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।